अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलएमएस ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास है, ठीक है, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, वो इस लिहाज से कि आपको जितना मार्जिन इसका थ्योरी में आता है उतना ही मार्जिन इसका न्यूमेरिकल में भी है। इस चैप्टर के 50% न्यूमेरिकल मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी से ही आते हैं। अगर आपने मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझ लिया तो आप देखेंगे कि आप नेक्स्ट इजीली जो है वो न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो बेटे पहले मास डिफेक्ट की डेफिनेशन करते हैं। देखें, द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ द बाउंड न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट। इसका क्या मतलब है? यानी जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका कंबाइंड मास और न्यूक्लियस का अकेले का मास, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। मतलब आप इसको इस तरह समझें कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलके एक हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूट्रियम बनाता है। तो जब वो ड्यूट्रियम बनाता है तो आप देख सकते हैं कि जो ड्यूट्रियम का मास होगा वो अकेले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम से कम होगा। ये जो मास की कमी आई, ठीक है, इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो बेटे आप जरा साइड पे एग्जांपल देखें, H2 कंपोनेंट लिखा हुआ है, AMU में मैसेज लिखे हुए हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के भी, और न्यूट्रॉन का कंबाइंड मास भी लिखा हुआ है, ये देखिए 2.01402 AMU। और जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास जो मास डिफेक्ट आया वो 0.002388 है। अब ये इसका फार्मूला है, यहां से आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बेटे। आप देख सकते हैं कि डेल्टा एम मास डिफेक्ट है। डेल्टा एम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस को हमने माइनस किया, तो इस फार्मूले के तहत ये मास डिफेक्ट आपने निकाला। हर न्यूक्लियर इक्वेजन का मास डिफेक्ट आप निकाल सकते हैं, हर न्यूक्लियर इक्वेजन का, सिर्फ इसका नहीं। ठीक है, चलते हैं बेटे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप देखेंगे कि अब हम बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसको भी बड़ी गौर से, वैसे तो अपने नाम से ये जाहिर कर रही है कि ये क्या है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस, यानी वो एनर्जी जो किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए। और दूसरी डेफिनेशन, एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस, या वो एनर्जी जो किसी न्यूक्लियस के बनने में निकले। तो एक ही बात है ना, जो एनर्जी किसी न्यूक्लियस के बनने में निकलेगी अगर वही एनर्जी उसको वापस कर दी जाए तो वो न्यूक्लियस टूट जाता है। यानी वो एनर्जी जो उसके बनने में निकल रही है वही एनर्जी अगर वापस न्यूली बिल्ट न्यूक्लियस को दे दी जाए तो वो न्यूक्लियस वापस टूट जाता है। जब वो न्यूक्लियस वापस टूटेगा तो यही उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। अब एग्जाम्पल है ड्यूट्रियम के लिए, आप देखें मैंने आपको बताया ड्यूट्रियम कैसे बनता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को मिला के। तो आप ये देख सकते हैं दोनों का मास मैंने ऐड किया, माइनस मास ऑफ ड्यूट्रियम। अभी पिछली एग्जांपल से आपको बताया ना, अभी वहां पे लिखी एग्जांपल, इसलिए मैंने यहां मैसेज उसके दोबारा नहीं लिखे। तो पिछली स्लाइड में आपने देखा तो यही मास डिफेक्ट निकला था, E=mc² ये लिया मैंने। अब आप जरा गौर से देखें, ठीक है, ये एम जो है ये मास डिफेक्ट है और सी स्केयर। बेटे आपने एक काम करना है, अगर आप इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जैसे मैंने किया है तो आप देखेंगे आपके लिए काम आसान हो जाएगा। डेल्टा एम को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये डायरेक्ट एनर्जी में जाएगा। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1 AMU वो 931.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, 1 AMU 931.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ये एनर्जी वेरीफाइड है। अगर आप AMU में मैसेज निकाल के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से तो आप देखें ये डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा, जौल में नहीं जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ड्यूट्रॉन की कितनी है? 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब असल में जो मास डिफेक्ट होता है यानी जो मास में कमी आती है, वो कमी क्यों आई? क्योंकि बेटे ये वाला जो मास है ये कन्वर्ट हुआ बाइंडिंग एनर्जी में, इसलिए। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं इसी की। हमने कहा कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम बना रहे हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम बना रहे हैं। तो बेटे आप जरा गौर से देखें, दो प्रोटॉन्स का मास
प्लस किया दो न्यूट्रॉन के मैस के साथ और उसको माइनस कर दिया किस में से, हीलियम के मैस में से, क्योंकि पीछे हमने वो एग्जांपल ड्यूटेरियम वाली तो कर ली थी, ये नहीं की थी, तो मैंने यहाँ मैसेज पुट कर दिए। ये देखें, ये किसका मैस है, प्रोटॉन का, ये किसका मैस है, न्यूट्रॉन का, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया और हीलियम का मैस माइनस 4.0028 इसमें से माइनस किया, तो इसकी बाइंडिंग जो मैस डिफेक्ट आया, जो मैस डिफेक्ट आया वो है 0.0318। अब एम सी स्केयर उसी फार्मूले के तहत, लेकिन मैंने बताया इस मेथड से करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले एम यू को किलोग्राम में करना पड़ेगा, किलोग्राम से फिर आपको जो है वो एनर्जी निकालनी पड़ेगी जो निकलेगी जौल में, और जौल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो अगर आप मेरे मेथड से करेंगे, यानी डेल्टा एम निकालें, यानी मैस डिफेक्ट निकालें और डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करें 931.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो वो डायरेक्ट ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी में चला जाएगा। तो ये हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी आपको पता लग गई बेटे 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला पॉइंट 1 AMU इज इक्वल टू 931.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई करना होता है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, जरा देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी बुक में दो ग्राफ हैं, हालांकि ये जो पहले वाला ग्राफ है ये अब डिनाई हो चुका है, ये आपको कहीं कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता। तो आप देखें फर्स्ट ग्राफ वो क्या शो कर रहा है, दैट मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन फोर लाइटर एज वेल एज हैवियर एटम इज लार्ज, यानी ये मैस डिफेक्ट है, ये देखें मैस पर न्यूक्लियॉन, तो ये आप देख सकते हैं कि लाइटर एटम के लिए ये ज्यादा है, और यहाँ हैवियर के देखें ये भी लाइन ऊपर जा रही है, यहां से नीचे आ रही है, तो इसके लिए ये क्या है और इसके लिए भी ये ज्यादा है। तो ये मैस डिफेक्ट ज्यादा किसमें होता है, किसमें आता है मैस डिफेक्ट, या लाइटर एटम्स में ज्यादा आता है या हैवियर एटम्स में, मिडल मैस एलिमेंट्स में बहुत कम आता है, और आपको पता है कि आयरन में तो सभी से कम, क्योंकि वो दुनिया का सबसे स्टेबल एलिमेंट है। तो दूसरे ग्राफ को डिस्कस करते हैं, वहां तो मैस नंबर था ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थे, यहां पे ये ग्राफ देखें ये मैस नंबर और एनर्जी के दरमियान ग्राफ है, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के। तो सेकंड ग्राफ जो है वो हमें बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी लाइटर एटम से हैवियर की तरफ जाते हुए बढ़ती है। ये देखें ये मैंने कुछ एलिमेंट लिख के भी दिखाए, और ये जो ब्लू लाइन है ये क्या जाहिर कर रही है, ये जाहिर कर रही है कि जो 50 से 60 मैस वाले एलिमेंट है वो सबसे स्टेबल है, और इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट जो है वो आयरन है। ठीक है, आप जरा आयरन से आगे जाएं तो ग्राफ फिर दोबारा थोड़ा थोड़ा नीचे जाना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन तक जाते हुए, हाइड्रोजन से आयरन तक जाते हुए स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती है, लेकिन आयरन से आगे जाएं तो बाइंडिंग यानी स्टेबिलिटी कम होगी। ये आपकी बुक का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और बहुत दफा पेपर में आया है, वो कहता है व्हाई द हैवियर न्यूक्लियाइज आर अनस्टेबल, तो हम उसे यही बताते हैं कि वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है। ठीक है बेटे, तो इसको जरा अच्छी तरह से आपने सीख लेना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत दफा पेपर में आया है बोर्ड में। ठीक है, और मैंने बताया कि अगर आपने इसकी वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको भी दिखाई, 2 एग्जाम्पल, एक ड्यूट्रॉन और एक हीलियम की, वो आपने अच्छी तरह कर ली और सीख ली जो मेथड मैंने बताया है, तो इसके 5 न्यूमेरिकल भी आपके हल हो जाएंगे, यानी आधे न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटे।